मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल कंटिन्यू माय चैप्टर नंबर 12, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एंड एक्सरसाइज नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, आई एम कंटिन्यूइंग आवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितने करवा दिए थे आपको, जैसे जितने भी करवाए हैं. आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये इसका, ठीक है. सो 150 और ज़रूरत पड़ेगी सपोर्टिंग हम ब्लॉक कर, ठीक है. 150 स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से. इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, हम डिवाइड देखते हैं कि ये नंबर कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो जिसके भी एंड में जीरो आता है उससे ज़रूर डिवाइड हो जाता है. तो अब एक बार देख लेना आप रफ में, 2 से डिवाइड करके 150 को कितना आता है. 2 7s are 14, 2 5s are 10. इसके लिए आपको डिवाइड अच्छे से आना ज़रूरी है. तो कितना क्या आया, 75. यहाँ हमने लिख दिया 75. अब आप देखिए इसका लास्ट नंबर 5 है. 2 के टेबल से तो नहीं हो सकता है, 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा. पहले डिवाइड करके देखने से पहले आपको मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं कोई भी नंबर 3 से कैसे डिविजिबल होगा, कैसे फाइंड करना है. दोनों जो भी नंबर होते हैं उनको प्लस करो. तो 7 और 5 प्लस करेंगे 12. प्लस का आंसर अगर 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 7 5 12 होता है, 12 आता है 3 के टेबल में, आता है 3 से डिवाइड हो जाएगा. 2 3 2 6, 3 5 15, कितना आया 25. किससे करने पर, 3 से करने पर, 3 से करने पर 25. अब 25 किससे होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से, 5 से, है ना. 5 के टेबल से होता है 5 5 5 25. अगेन 5 डिवाइड 5 और इस तरीके से 1. जिस टेबल से करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, जितने टाइम्स आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड 150. लास्ट नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. साइड में करके देख लेना 2 से कैसे डिवाइड होगा, कितने टाइम्स आएगा. 2 7s are 14, 2 6s are 12, सो 76. कितने टाइम्स आया 2 की टेबल में, 152, 76 टाइम्स. अगेन 6 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 76 को 2 से करेंगे, अब ये कितने टाइम आएगा, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 38 टाइम्स. 38 अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1s are 8, 2 9s are 18, कितने टाइम्स 2 से चला जाएगा, 38, 19 टाइम्स. और 19 तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 19 की टेबल में 19 बन जाए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 324. 324 अब ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही हम करते हैं, 2 की टेबल में 2 1s are 2, 2 6s are 12, यहाँ लिखेंगे 4 2 2s are 4, 162 टाइम्स. 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स पर होगा, 162 टाइम्स, ठीक है. 162 डिवाइड को अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना. 2 8s are 16, 2 की टेबल में 81 टाइम. अब ये देखिए, अब ये 2 से नहीं होगा, किससे हो सकता है, 3 से हो सकता है. 8 और 1 कैसे चेक करेंगे, प्लस करें. 8 और 1 कितना होता है, 9. 9 3 की टेबल में आता है, आता है तो 81 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 की टेबल में 81 27. Thank you.
से वापस हो जाएगा। थ्री थ्री जहाँ नाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, 1000 थोड़ा मैं इस तरीके से ले रही हूँ बड़े बड़े नंबर को, 1020 टू से हो जाएगा, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 4। मैं डायरेक्टली अब आपको बिना आप डिवाइड करके देख लेना, मैं बिना डिवाइड करे यहीं बस यहीं मैं कर सकती हूँ डिवाइड, इस वजह से मैं यहीं करके ना, क्योंकि टेबल में 5 तो नहीं आता, 2 2s are 4 होता है, 1 आएगा, फिर हम डिजिट को नीचे लिखेंगे 11 हो जाएगा, तो 2 5s are 10, और फिर करेंगे 2 6s are 12, जब तक 2 से होता जाएगा तब तक इसको करेंगे, 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 से हो जाएगा वापस 2 6s are 12, 2 4s are 8, अगेन 2 से हो जाएगा 2 3s are 6, 2 2s are 4, वापस 2 से हो जाएगा 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 6 2 4 8, पूरा ये 2 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ फैक्टर मेक फैक्टर ट्री, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन इन योर पॉपी। थैंक यू।